दोस्तों अरलीवुड पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने वीडियो देखे हुए उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यकीन मान के चलिए जो अब जो हम आपको बताएंगे और आज से पहले जो हम बताते आ रहे हैं वो सारा चीज़ जो है हकीकत में तो कन्वर्ट हुआ ही है, लेकिन अब और ज़्यादा हकीकत में कन्वर्ट होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए इस वीडियो में यही बात करेंगे। देखिएगा आरबीआई का एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ रही है, और अब देखिएगा यहाँ पर हमने बताया था घमासान लड़ाई, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत ज़बरदस्त की मतभेद है, लेकिन इस मतभेद को तो साइड कर दीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा बोल सकती है जो पहले आप लोग आपस का झगड़ा निपटा के आइए, फिर यहाँ पर बताइए जो क्या चाहिए। तो इन सब का रिजल्ट जब निकालेंगे तो अभी जो हम प्रूफ बताएंगे जो आपको लगेगा, जो 3 महीना सबको मॉरेटोरियम कम से कम 1 क्वार्टर सभी लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और खुशखबरी अभी हम आगे डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, सबकी मनोकामना पूरी होगी। यानी हम सभी लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं, चाहते ही हैं जो मॉरेटोरियम 3.0 अनकंडीशनल और साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री मिले बिना किसी पेनाल्टी का, क्योंकि हम काफी टाइम से सबसे पहले अरलीवुड ने ही आवाज उठाया था। देखिए यहां पर बात करेंगे, उसके बाद विशाल तिवारी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह, देख ही रहे हो आप, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग चाहते हैं लोगों को राहत मिले। लोग कितने लोग जान गवा दिए यार, लोग इतने हम लोग इतनी ज्यादा दुखी हैं जो पूछो मत, आप सभी लोग दुखी हैं। यहां पर देखिएगा जो भी लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों को किसी भी तरह से समस्या का समाधान मिले। देखिए यहां से जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहां से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके यहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट होंगे। आप खुद से दिल पर हाथ रख के सोचना, हम आपकी खुशी के लिए देखो कितने सारे चीज़ बताते हैं, ताकि आप लोग दुखी में भी दुखी होते हो तो कम से कम वीडियो देख के खुशी हो सके। कम से कम आप कई सारे लोग व्हाट्सअप भी करते, ईमेल भी करते, सर आपके वीडियो देख के हम गलत विचार आ रहा था मेरे मन में, मैं वो सब करने से बच गई या बच गया। बहुत से लोग मेल फीमेल सभी लोग व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, दिखाएंगे फिर कभी टाइम मिलेगा फिर बताएंगे आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले खुशखबरी वाली बात करेंगे। देखिएगा ये मिंट का एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो देखिए एनबीएफसी कई सारे एनबीएफसी का जो है, यानी सबसे ज़्यादा हालत एनबीएफसी की भी ख़राब है, बैंकों की तो यार बैंकों के पास तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी ये लोग प्रॉफिट में रहते हैं तो भी रोते रहते हैं ये लोग, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कुछ एनबीएफसीज हैं, यानी देखिए जितने भी एनबीएफसी है इंडिया में उसमें से एक तरह से हम बोल सकते हैं 50-50 ये लोग बिस्किट खाया हुआ है, 50-50 ब्रिटानिया का। अब ये क्या कह रहा है, देखो कुछ एनबीएफसी बोल रहे हैं जो 3 महीने का मॉरेटोरियम तो मिलना ही चाहिए यहां पर, देखिएगा। और कुछ एनबी यहां पर देखिएगा देखो क्या कर रहा है, 3 मंथ मॉरेटोरियम अपार्ट फ्रॉम द लोन रीस्ट्रक्चरिंग परमिटेड बाय दिस विल गिव मच मोर रिलीफ। समझ के बात को, यानी रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा यदि थ्री मंथ का ब्लैंकेट मॉरेटोरियम मिल दे दिया जाए तो वो ज़्यादा राहत देगी। इसका क्या मतलब हुआ, समझ रहे बात को, इसका मतलब ये हुआ जो आरबीआई ने जो 5/5/2021 को जो रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 के तहत पॉलिसी निकाली थी, जो मॉरेटोरियम आप ले सकते हैं 5-2 साल के लिए या रीस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं 2 साल के लिए, उसमें काफ़ी टर्म्स कंडीशन है, लेकिन इसके बावजूद लोग मांग रहे हैं ये वाली मॉरेटोरियम ब्लैंकेट मॉरेटोरियम, और ये आप तो 2 साल दे रहे हैं लेकिन लोग यहाँ 3 महीना मांग रहे हैं। एनबीएफसी वाले भी रो रहे हैं, जनता भी रो रहे हैं, लोग 3 महीना मांग रहे हैं मॉरेटोरियम, कम से कम यदि दे दिया जाए लोगों को टेम्प्रोरी राहत मिलेगी, और इस बीच का जो है आपको वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम पहले 3 मंथ का मॉरेटोरियम आप अनाउंस कर दीजिए और फिर आगे की देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा ये किसने कहा है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है कि हम लोग को, यहाँ पर देखिएगा जो मिंट का रिपोर्ट है, आज का अपडेट है, ये कह रहा है सेड एग्जीक्यूटिव एट द स्मॉलर एनबीएफसी। यानी अब यहां पर देखिए आगे हम बात करेंगे, कहने का मतलब क्या है, 3 महीना का भी यदि लोगों को मॉरेटोरियम मिल जाता है तो लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग से ज्यादा इसमें रिलीफ हो जाएगी। और यहां पर आगे की बात करेंगे, यहां पर देखिएगा रीस्ट्रक्चरिंग नॉट गुड फॉर एवरीवन, ये कौन कह रहा है, यहां पर देखिएगा एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो एनबीएफसी कंपनीज जिसका सीईओ एमडी एंड सीईओ जो इसका जो बॉस है मालिक है, ठीक है, इन्होंने कहा है रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। यानी यार रीस्ट्रक्चरिंग की एक लाइन में समझो आप, रीस्ट्रक्चरिंग की जो कंप्लायंसेज हैं, मतलब इसका जो कंप्लायंसेज है इसमें ज़्यादा प्रोसीजर है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें करने पड़ते हैं, इसलिए बैंक भी इससे बचता है और साथ ही साथ लोगों को भी झमेला ज़्यादा होता है, तो लोग अब देखो ये एनबीएफसी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सीईओ ये लोग कह रहे हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, यानी रीस्ट्रक्चरिंग सभी के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर अच्छा क्या है, यानी मॉरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग दोनों में कंप्लायंसेज जो है मॉरेटोरियम में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। केवल आरबीआई एक अनाउंसमेंट कर दे, एक पॉलिसी लेकर आ जाए और लोगों को
मिल जाएगी मोरेटोरियम जितने भी पीरियड के लिए मिलेगा। लेकिन अभी की जो हालात है इन सब चीज़ों को देखते हुए बैंक एनबीएफसीज में दो फार हुई है, दो फार मीन्स दो डिपार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कुछ लोग बोल रहे हैं जो मोरेटोरियम चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं चाहिए। यहाँ पर देखोगे आगे तो इसमें कुछ एनबीएफसी ने कहा नहीं जी, यहाँ पर जैसे चोला मंडलम का भी इधर आया हुआ है, इसमें कहीं मैंने देखा था, ठीक है, लोग कह रहे हैं जो नहीं चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग भी बेटर है। लेकिन यहाँ पर देखो ये इन्होंने हेडिंग जो टाइटल जो लगाया हुआ है मिंट ने, और मालूम है मिंट के बारे में, हिंदुस्तान टाइम्स का सहयोगी पेपर है, एनबीएफसीज आर डिवाइडेड हाउस ओवर द नीड ऑफ अ लोन मोरेटोरियम। इसका मतलब क्या हुआ, एनबीएफसी कंपनीज में दो फार, यानी जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं उन सभी लोगों में से कुछ लोगों का मानना है रीस्ट्रक्चरिंग बेटर है, कुछ लोगों का मानना है मोरेटोरियम बेटर है। लेकिन ज़्यादातर केस में मानना है जो मोरेटोरियम बेटर है, तो इसीलिए हम सभी लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं इस रिपोर्ट को देखते हुए कि बैंक एनबीएफसी कंपनी आरबीआई को कुछ ना कुछ ऐसी राहत देने के लिए, जैसा मालूम ही आप लोगों को एफआईडीसी ने उठाया और कदम भी उठाया हुआ है, जो लोगों आरबीआई से रिक्वेस्ट किया है, जो आप मोरेटोरियम का जो पॉलिसी है 5/5/2021 का, इसको थोड़ा आसानदायक बनाइए, थोड़ा फ्लेक्जिबल बनाइए, ताकि लोगों को हम आसानी से दे सकें, और अप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको भी आसान करने के लिए आरबीआई को बोला गया है। और साथ ही साथ फिच रेटिंग है, उन्होंने भी कहा है जो आरबीआई इन सब सिचुएशन को देखते हुए ब्लैंकेट मोरेटोरियम का अनाउंसमेंट कर सकता है। ये देखिएगा जरा, मैं इस रिपोर्ट का सोर्स भी बता दूं, क्योंकि अर्लीवुड पर आप इसलिए देखते हो क्योंकि हम सोर्स के साथ बात करते हैं, आप लोग भी सर्च करके देख लेना, पढ़ लेना, और हम फिर डिटेल से जो है इसी का ये जो अपडेट है मिंट का, इसका डिटेल से हम एनालिसिस के साथ लेकर आएंगे और कंक्लूजन निकाल लेंगे फिर दूसरे वीडियो में, जो आखिर आने वाले टाइम पर आपको क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस रिपोर्ट से आप ये यकीन मान के चलिए जो आपको राहत 100% मिलेगी। और ग्राउंड लेवल पे देखिए जी, यदि आपकी जो 5 मई 2021 वाली जो पॉलिसी थी आरबीआई का, यदि हकीकत में लोगों को इनसे यदि फ़ायदा हो रहा है, तो लोग तो आवाज़ ही नहीं उठाते। ज़रा सोच के देखिए, ज़रा सोच के देखना एक बार, यदि आपको किसी पॉलिसी से इतनी ज़्यादा बेनिफिट हो रही है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन वाले आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, समझ रहे बात को। हमारा भी लोन, कौन ऐसा आदमी है जिसका, हमारा भी है, आपका भी है, हर किसी लोगों का लोन है, हर कोई चाहता है जो राहत मिले सभी लोगों को। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लोगों को खाने का पैसे नहीं है। देखो यहाँ पर FIDC ने भी ये सारा चीज़ अब रिक्वेस्ट किया हुआ है, आरबीआई लोग आरबीआई से जो आप थोड़ी राहत दे दीजिए, राहत दे देंगे तो थोड़ी और लोगों को बेनिफिट हो जाएगा यार। जो बैंक, सारे बैंक प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बैंकों के पास पैसे की कमी है क्या? बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं, बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है, समझ के बात को। तो कहने का मतलब ये है, जो राहत की उम्मीद हम सभी लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है जो ये एनबीएफसी का जो रिपोर्ट है और एसोसिएशन वाले भी हैं, वो आरबीआई के ऊपर भी दबाव बनाने के बाद नहीं, वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं, जो आपकी पॉलिसी सही नहीं है थोड़ा उसमें सुधार कर लीजिए। और आज का जो ये मिंट का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपको लगेगा जो हकीकत में यार मोरेटोरियम की सख्त ज़रूरत है, टेम्पोरेरी रिलीफ की। ज़्यादा आप दो ना दो, कम से कम 3 महीने 6 महीने तो आप दोगे बाद में, पहले 3 महीने दे दीजिए, और लगता है जो 3 महीने कम से कम जो है मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को अर्निंग के लिए भी हम बताएंगे आपको, ताकि आप कुछ सीख सके और कुछ अर्निंग कर सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।